सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ शाम के 5:30 बजे और आपको दिखाती हूँ मौसम जो इतना प्यारा हो रखा है, बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम हो रखा है। एंड अभी इस प्यारे प्यारे मौसम में बहुत अच्छी हवा चल रही है, जो ऊपर क्लाउड्स हैं भाई, सो ब्यूटिफुल दे आर लुकिंग, बहुत मज़ा आ रहा है। एंड थोड़े टाइम में आपको एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, तो बेसिकली क्या देखने को मिलेगा वो तो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एंड यस, अभी फ़िलहाल के लिए मैं अपने कॉलेज से आधे घंटे पहले आ चुकी थी और फिर आके मैं जस्ट लेट गई थी बिकॉज़ मेरे पास कोई काम था नहीं। अब मैं उठ गई हूँ और मैंने सोचा कि इतना अच्छा मौसम हो रखा है, अब इतने अच्छे मौसम में क्यों ना अच्छी सी एक कॉफ़ी पी जाए। सो प्रेजेंटिंग यू माई कॉफ़ी। एंड यस गाइज, अभी थोड़े टाइम में आपको मिलाते हैं नए शख्स से। सो यस, अब आप सोचिए क्या हो सकता है वो। ओके, तो पहले फ़िलहाल के लिए हम कॉफ़ी को इंजॉय करते हैं बिकॉज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है एंड जस्ट सिटिंग हियर लोनली गिव्स अ पीस। तो यस, अभी हम बैठते हैं, उसके बाद फिर मुझे अपना बहुत सारा काम है उसको भी करना है। फ़िलहाल के लिए कॉफ़ी पीते हैं क्योंकि मेरी कॉफ़ी कहीं ठंडी ना हो जाए। आपको कप दिखाती हूँ, इतना बड़ा कप है ना, आपको वो दिखाती हूँ। सो गाइस, आप ये मेरी कॉफ़ी का कप देखो, इतना बड़ा है और इसका जो डायमीटर है वो भी बहुत बड़ा है, बट जो कॉफ़ी है ना देखने में बहुत प्यारी लग रही है। सो यस, अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ बैठते हैं, कॉफ़ी इंजॉय करते हैं एंड फिर आपसे मिलते हैं। मैं चली थी बाहर व्लॉग बनाने के लिए, मम्मी अंदर आ चुकी, मम्मी बोल रही है कि मैं तो आ चुकी हूँ, व्लॉग क्यों नहीं बनाया है। सो अभी हम चलते हैं बाहर डैडी से मिलने के लिए। सो यस, हेलो हेलो, तुम्हारी शक्ल कैसी हो रही है, तुम्हारी शक्ल कैसी हो रही है, यहाँ पर दिखाओ, रिवील करो। चलो आना अंकल, फोन चल हेलो डिंपल, मैं आ गई। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सामान की अनलोडिंग, ऐसे करके सामान लेके जा रहे हैं। हाँ, ये नंदू भैया हमारे लेके जा रहे हैं, क्यों नंदू भैया? सो गाइज, यहाँ पर सबको अपने बर्थडे गिफ्ट मिल रहे हैं, तो यहाँ पर डिम्पल को उसका बर्थडे गिफ्ट मिल चुका है जो कि है लैपटॉप, ठीक है। और मम्मी को क्या मिला है, मम्मी को फ़ोन है ना, फ़ोन तो हेल्पिंग के लिए। अच्छा चलो ठीक है, बस डिम्पल को उसका बर्थडे गिफ्ट मिल चुका है जो कि है लैपटॉप। एंड अभी डिम्पल ऐसी हालत में नहीं जिसको मैं दिखा सकूँ, क्योंकि मैं दिखाऊँगी तो फिर मुझे बोलेगी तूने मुझे क्यों दिखाया। सो अभी यही है, अब मैं देखती हूँ, मुझे मैंने भी कुछ चीज़ मंगाई थी, अब मुझे वो मिलती है कि नहीं मिलती है, देखते हैं। हाँ डिम्पल, हाउ इज योर बर्थडे गिफ्ट? गाइस, यहाँ मेरा खजाना खुलने लगा है, देखते हैं क्या आया है मेरे लिए। वैसे मैंने जो मंगाया था वो मुझे मिल जाए। लाओ देखते हैं गाइस क्या आया है। जड़ी सिंह फोटो पे जाइए, वो कितने यार ना, ये नहीं है जड़ी सिंह फोटो पे जाइए, वो कितने यार। सो बेसिकली गाइस, मैंने मंगाई थी वॉच एंड अभी 2-3 वॉचेज और निकलेंगी। अरे वाह, निकालो निकालो, आई गॉट माई वॉच। सो ये वाली वॉच बहुत सुंदर लग रही है, मेरे पास 3 हो गई हैं वॉचेस, देखो 3 वॉचेस का कलेक्शन हो गया मेरे पास। सो यस, मैंने वॉचेस मंगाई थी और मुझे अच्छी अच्छी वॉचेस मिल चुकी हैं एंड आई एम लव विद देम। सो गाइस, बहुत सुंदर लग रही है वॉच और डिम्पल की भी देखो कितनी सुंदर लग रही है। सो गाइस, जो मैंने गिफ्ट मंगाया था वो मुझे गिफ्ट मिल चुका है एंड मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पापा ने पहले फोटो भेजी तो आई वॉज रियली वेरी अपसेट, बट जब वो चीज़ घर पे आती है तो बहुत अच्छी लगती है, पसंद आ जाती है। सो वही चीज़ थी, बहुत अच्छी चीज़ है, घड़ी मुझे चाहिए थी तो मैंने मंगा ली। एंड अभी फ़िलहाल के लिए सारे बैग्स की अनपैकिंग हो रही है, तो अब हम देखते हैं अब क्या क्या निकलता है बैग में से। सो गाइज, यहाँ पर पूरा मेस क्रिएट हो रखा है, यू कैन सी दिस मेस। ओके, अभी कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं जो हम आपको दिखा सकें क्योंकि इतना मेस हो रखा है, बट यस
बहुत सही सही चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें हमको मिली हैं, तो वी आर वेरी हैप्पी। मैं फर्स्ट टाइम से शूट कर रही हूँ बिकॉज मैं कभी शूट नहीं करती हूँ। सो यस गाइज, यहाँ पर देखो टेस्टिंग चल रही है हर एक चीज़ के। मम्मी के कपड़े इतने सुंदर आए हैं ना भाई, और वहाँ पर ये ऊपर मम्मी के कपड़े पड़े हैं, बट देखो ये क्या मेस कर रखा है हमने कमरे में पूरा। फाइनली डिनर टाइम हो चुका है। वैसे डिनर टाइम हमारा कितने बजे होता है, 8 बजे, आज तो 9 बज चुके हैं। सो अब देखो उस वाले कमरे से हमने सामान सारा समेटा, अब इधर वाले कमरे में पूरा सामान बिखरा पड़ा है। सो जो कंडीशन है ऐसे करके हो रखी है बिखरी बिखरी, बट नो प्रॉब्लम, इसको हम फटाफट समेट लेंगे। फिर मुझे अपना काम फिनिश करना, पता नहीं मेरा काम कब फिनिश होगा मुझे खुद को नहीं पता, पहले फिलहाल के लिए खाना खा लेते हैं। 3 days later. Hello everyone, I'm meeting you guys after 2 to 3 days. So yes guys, आपको मैं ready दिख रही हूँ because मैं और हमारी पूरी family basically जा रहे हैं मामा के वहाँ पर, और हमें बहुत ज़्यादा fun करेंगे वहाँ पर, और हमें बहुत मज़ा आएगा। So yes guys, मैं ready हो चुकी हूँ, हमारे पीछे daddy ready हो चुके हैं, और ऐसे करके सब ready हो चुके हैं, and let's go because हम बहुत late हो जाते हैं हर बार जब हम वहाँ पर जाते हैं। ओके बाय पापा जी। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं मामा के घर, एंड अभी हम जाके सबसे मिलते हैं, और हमारी हालत देखो कैसे हो जाती है। घर से निकले तो कितने अच्छे बन के निकलते हैं, पहुंचते ऐसी हालत हो जाती है। सत श्री अकाल, क्या हाल है? हेलो मामी, सत श्री अकाल। तू बाहर ही नहीं आया आज। मामी सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, नानी सत श्री अकाल। So guys, यहाँ पर आकर तो अलग ही मजा आता है, एंड बिकॉज अच्छी अच्छी हवा चल रही है, पीछे आपको सुनाई दे रहा है ना गुरुद्वारे में पाठ हो रहा है। सो यहाँ पर वो एक अलग पीस मिलता है बिकॉज यहाँ पर बगल में ही या पास में ही वो लोग गुरुद्वारा है, अच्छी अच्छी आवाज सुनाई देती है बाबा जी की, और जो शब्द होते हैं जो पाठ होता है वो बहुत सुकून देता है। एंड अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो आपको वो चीज़ कर, आप उसको सुन के आप बहुत ज़्यादा पीसफुल फील करते हो। अभी फ़िलहाल के लिए मैं और डिम्पल बाहर आए हैं, ये है डिम्पल हमारी। ओके सो यस, अभी हम बाहर आए हैं, हम थोड़ा मौसम के मज़े ले रहे हैं, एंड बस। अ फ्यू आवर्स लेटर गाइस, इतनी ज़्यादा भूख लगी थी ना, और इतना डिलीशियस खाना बना था। सो सफ़ेद चने और चावल हमने खा लिए हैं, एंड क्योंकि मुझे ना मैंने 1 बजे खाना खाया था बिकॉज मैं अपने हॉस्टल में थी, हॉस्टल बोल रहा हूँ मतलब कॉलेज में थी, तो मैंने वहीं पर खा लिया था मेस में। तो मुझे उसके बाद फिर मैंने आके भी घर में कुछ नहीं खाया ना कुछ पिया, तो मुझे अब ना इतनी भूख लग रही थी। फिर फाइनली मैंने अच्छा अच्छा खाना खा लिया, सुकून मिल रहा है मुझे खाना खा के, मेरा पेट पूरा अच्छे से भर चुका है। एंड इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। होप गाइस आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, एंड जल्दी जल्दी से 500 करा दीजिए। यस गाइस, बहुत अच्छा लगेगा, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि पीपल आर वॉचिंग, दे आर एंगेजिंग इन टू दिस। सो यस गाइज, बाय बाय।